तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है MTCR। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पढ़ लिया, वाक्सिनार पढ़ लिया, अब हम MTCR के बारे में पढ़ेंगे। MTCR बेसिकली क्या है, जैसे हमने पढ़ा था इसमें मैंने वो स्लाइड, तो MTCR क्या है, ये रहा आपका, तो भी बेसिकली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को हमें प्रिवेंट करना है, उसका नॉन प्रोलीफरेशन करना है कि ऐसे वेपन्स कम से कम बने पूरे विश्व में और इनका प्रोलीफरेशन ना हो, इनका एक्सपोर्ट पे कंट्रोल रहे और ऐसी किसी कंट्री के हाथ में ना लगे ये टेक्नोलॉजी ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो MTCR इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी मिसाइल्स, बेसिकली उसका उस पर कंट्रोल करना है। तो दिस इज़ दी, सो अगेन एज यू कैन सी दिस इज़ दी MTCR। हमने वासेनार पढ़ लिया है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पढ़ लिया, MTCR अब हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पढ़ेंगे। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप थोड़ा हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। MTCR क्या है, इस्टेब्लिश इन 1987 फॉर दी नॉन प्रोलीफरेशन ऑफ मिसाइल्स, ऑब्वियसली जो मैंने बताया क्योंकि इन मिसाइलों के थ्रू आप क्या कैरी कर सकते हो, वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल न्यूक्लियर वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन, तो इसलिए मिसाइल बहुत खतरनाक होती हैं, तो इनका नॉन प्रोलीफरेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। इट कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल इन्वॉल्व इन, तो ऐसे टेक्नोलॉजी मटेरियल को आपको कंट्रोल करना है जो कि इन मिसाइल सिस्टम को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। एंड द अनमैंड एरियल व्हीकल्स, UAV इनको बोलते हैं, अनमैंड एरियल व्हीकल्स, तो ऐसे व्हीकल्स जिनमें कोई अनमैंड है बट जो कि ऐसे वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, तो मिसाइल्स एंड दीज UAV, इनके इनको बनाने के लिए कोई भी मटेरियल है उनको कंट्रोल करना है, उसकी टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल विच इज़ इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसाइल एंड UAV पर्टिकुलरली। अब कौन से मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, वो मिसाइल जो कि कैरी कर सके न्यूक्लियर वार हेड ऑफ अबव 500 किलोग्राम पेलोड, यानी कि 500 किलोग्राम से ज़्यादा का पेलोड कैरी कर सके, फॉर मोर देन 300 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर सके। तो इसकी ये लिमिटेशन भी है कि 500 किलोग्राम पेलोड और 300 किलोमीटर का जो इसमें रेंज दिया हुआ है, ये एक लिमिटेशन है इसकी। कि अब क्या है ना, बहुत कंट्रीज ट्वीक कर रखा है, बहुत कंट्रीज ने, कि बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स बनाई हुई हैं जो कि 300 किलोमीटर से कम है, जैसे 290, ब्रह्मोस भी आप जानते हैं 290 किलोमीटर है, 300 से कम है, ठीक है ना। तो 300 किलोमीटर एंड 500 किलोग्राम पेलोड का जो ये जो एक कंडीशन है, इसको काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि 500 किलोग्राम पेलोड एंड 300 किलोमीटर्स की रेंज का जो है ना, इसको कम करना चाहिए, और क्योंकि ये केवल इन्हीं के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है MTCR, बाकियों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली। द मेंबर्स आर दस प्रोहिबिटेड फ्रॉम सप्लाइंग सच मिसाइल्स एंड UAV सिस्टम डेटा कंट्रोल्ड बाई द MTCR टू नॉन मेंबर, नॉट ओनली टू नॉन मेंबर्स, यानी कि मान लीजिए दो मेंबर्स हैं ए और बी इसके, तो ए अगर बी को भी ये टेक्नोलॉजी देगा तो भी, बट रिस्ट्रेंट तो नहीं रखेगा, और इजिली दे सकता है बट वो डिक्लेयर करेगा। इसके जितने ही मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली तभी मेंबर्स रह सकते हैं इस ग्रुप के जब वो इसकी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, और इसकी गाइडलाइंस क्या है कि ओपनली ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, और आप किसी नॉन मेंबर को दे रहे हैं तो यू हैव टू डिक्लेयर इट, और नॉन मेंबर जिसको आप दे रहे हैं, नॉन मेंबर ट्रस्टेबल होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए नॉन प्रोलीफरेशन का, इवन इफ़ इट इज़ नॉट अ मेंबर बट उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी कि आप जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। द डिसीजन आर टेकन बाई कंसेंसस, जैसे मैंने बोला कंसेंसस से डिसीजन होता है, एसोसिएशन है तो कंसेंसस लेना ही पड़ेगा। नॉट अ लीगली बाइंडिंग, हैंस नो प्यूनिटिव मेजर्स कुड बी टेकन अगेन नॉन कम्प्लायंस टू द गाइडलाइंस, तो लीगली बाइंडिंग नहीं है तो कोई ऐसा कोई प्यूनिटिव मेजर्स नहीं ले लिया जा सकता, बट क्योंकि एसोसिएशन का पार्ट है तो डेफिनेटली आप बाउंड है बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली कोर्ट में आपको घसीटा जा सकता है, बट लीगली बाइंडिंग नहीं है आपको सेंस में कि आपको पेनालाइज कर सकें, आपको जो है सीधा आपको जो है पनिश कर सकें इस ग्रुप पर वायलेशन ऑफ दिस ग्रुप। डिटेल्स क्या है, 35 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये याद करने की चीज़ है। देखो इसमें कोई उसके जैसे 45 मेंबर, 47 मेंबर, किसी के 43 मेंबर, इसके 35 मेंबर, तो ये आप याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। चाइना इसका भी मेंबर नहीं है। द एफर्ट्स ऑफ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी यही है कि ये भी प्रिवेंट करता है नॉन प्रोलीफरेशन को, इसको बढ़ावा देता है और प्रिवेंट करता है प्रोलीफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड UAV,
द एफर्ट्स ऑफ नॉन प्रोलीफरेशन ऑफ मिसाइल हैड फर्दर बीन स्ट्रेंथन बाई द इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलीफरेशन। तो इसको है कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं जिसका इंडिया मेंबर है। तो ये एक और साथ में जैसे एक MTCR है, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है जो प्रिवेंट करता है ऑफ प्रोलीफरेशन ऑफ मिसाइल सिस्टम। और डिफरेंस लेकिन कुछ है इन दोनों में। जो है कोड ऑफ कंडक्ट है वो रिस्ट्रेंट, सब में रिस्ट्रेंट कहता है, यानी कि अगर आप मेंबर हो इस है कोड ऑफ कंडक्ट के तो आप प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, कर सकते हो बट रिस्ट्रेंट, और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन MTCR केवल एक्सपोर्ट की बात करता है, यानी कि जो इसका मेंबर है वो खुद तो मैन्युफैक्चर कर सकता है बट अगर एक्सपोर्ट करेगा तो वो रिस्ट्रेंट रखेगा, नॉट ओनली टू मेंबर्स बट ऑल्सो टू नॉन मेंबर्स, ठीक है ना। बट जो है कोड ऑफ कंडक्ट है वो नॉट ओनली उसमें एक्सपोर्ट में बट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग में भी। तो ये ज़्यादा इसका परव्यू उसका ज़्यादा है, बड़ा है, इसके रेंज ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा कंप्रिहेंसिव है एज कम्पेयर टू MTCR HCOC दैट इज होगे कोड ऑफ कंडक्ट। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। नाउ बेनिफिट सिंपल है अगेन, NSG का मेंबर बनना ईजी है, इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक विन ओवर पाकिस्तान एंड चाइना, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अगर आप MTCR को ज्वाइन कर लोगे तो आपको ईजिली मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आप मेंबर हो, और मेंबर हो तो आपको मिलना ईजी है, क्योंकि कोई भी आपकी मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री को ईजिली दे सकती है। ऑब्वियसली रिस्ट्रेंट रखेगी, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं बांट सकते टेक्नोलॉजी। हाँ डेफिनेटली अगर आपको बांटी जा रही है तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बांटी जाएगी आपको, ये नहीं कि आप इसको प्रोलीफरेशन कर रहे हो और किसी दूसरी देश को धमकी देने के लिए या दूसरे देश पर अटैक करने के लिए, नहीं, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। आप बेच सकते हो टू नॉन मेंबर कंट्रीज, रिस्ट्रेंट रखना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ओपनली, बट आप बेच सकते हो क्योंकि आप एक ट्रस्टेबल क्रेडिबल कंट्री माने जाओगे। परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC एंड इन अगेन द सेम पॉइंट, इंडिया कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलीफरेशन आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ सच ग्रुप्स। इंडिया ने बेची है ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी, बेची है वियतनाम को, तो वो बेचना इसलिए इजी हो पाया इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ MTCR और हेग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में भी इंडिया मेंबर है, बट इंडिया ने वियतनाम को बेची थी फॉर इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आप बेच सकते हो, हाँ, लेकिन कब नहीं बेच सकते आप? मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो किसी मेंबर कंट्री ने इतराज़ जता दिया, मान लीजिए आप कुछ बेच रहे हो किसी दूसरी कंट्री को और किसी एक कंट्री ने इतराज़ जता दिया मेंबर कंट्री ने कि आप ये सामान कैसे बेचोगे इसको, तो फिर इशू हो सकता है। अगर किसी भी मेंबर कंट्री को, वही मैंने कहा ना, अगर आप बेच रहे हो तो आपको सब मेंबर कंट्रीज़ को ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, यानी कि आपको फोरम पे डिक्लेयर करना पड़ेगा यू आर सेलिंग दिस टेक्नोलॉजी टू दिस कंट्री, सो नो कंट्री शुड ऑब्जेक्ट टू दैट थिंग। तो नॉन मेंबर कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाएगा, नॉन मेंबर कंट्री का की ट्रस्टेबिलिटी देखी जाएगी, अगर वो ट्रस्टेबल है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है और वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए केवल इसको इस्तेमाल करेगा तभी आप इसको बेच सकते हो। तो बेचना ईजी है बेस्ड ऑन दी कंडीशन कि जिसको आप बेच रहे हो कोई इतराज़ ना जताए, कोई भी कंट्री इतराज ना जताए, नो कंट्री विल रेज एन ऑब्जेक्शन और डेट यू आर सेलिंग दिस टेक्नोलॉजी टू सच अ नॉन मेंबर कंट्री, नो मेंबर कंट्री शुड रेज एन ऑब्जेक्शन। तो डेफिनेटली रोड ब्लॉक भी है कि इतना ईजी भी नहीं है बेचना, बट डेफिनेटली अगर आपके पास ये है, अगर आप मेंबर हो तो कम से कम यू हैव ए क्विक एंड ईजी एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजीज, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा है, आपका से इंटरनेशनल नॉन प्रोलीफरेशन एंड टू अचीव दीज यू नो टू दी नॉन प्रोलीफरेशन एंड डिसआर्ममेंट ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम NSG के बारे में पढ़ेंगे, NSG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे NSG के बारे में, ठीक है। तो आप इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू सो मच।